कुछ बाहर खड़े खड़े इमेजिन कर लोगी क्या? हाँ भाई, हमने इतनी मेहनत करके इतना प्यारा कमरा सजाया है, अंदर से देखना तो बनता है। नहीं चले ना। और वैसे भी प्रियंका, मेरे ख्याल से सुबह तक तो कमरे की काया पलट हो जाएगी। नहीं ना, कैसी बातें कर रही हो अपने बहू के सामने, देखो तो बेचारी कितनी शर्मा गई। माँ से क्या शर्माना, माँ भी तो सहेली होती है ना। और वैसे भी ये मौका हमें रोज रोज थोड़ी ना मिलेगा, तो ऐसे कैसे जाने दूँ अपने हाथ से। अच्छा सुनो, अभी जो कुछ भी नीचे हुआ है ना, सब भूल जाओ। तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है, स्लेट को बिल्कुल साफ कर दो। उस पे अपने प्यार की, अपनी खुशियों की एक नई कहानी लिखो, जिस पे कोई भी पुराना दाग ना हो। स्वर्णा बिल्कुल सही कह रही है, ये दिन बार बार नहीं आता और ये रात तो बिल्कुल भी नहीं। पता, हर चीज फर्स्ट टाइम सिर्फ एक ही बार होती है लाइफ में, दोबारा नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट। चले क्या हुआ नायरा, ऑल सेट ना? कहाँ बैठूं मैं? चेयर पे? तू क्या इंटरव्यू में बैठी है क्या? स्टूपिड, ये हो क्या रहा है मुझे? मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ? हम तो एक दूसरे को पहले से जानते भी हैं, फिर क्यों? ये इस रात का जादू है नायरा, ये घबराहट, ये बेचैनी, यही तो इसे यादगार बनाते हैं। यादगार? वो तो पता नहीं, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में हजारों बटरफ्लाईज एक साथ उड़ रही हैं। क्या करूं, कैसे कंट्रोल करूं इस फीलिंग को? तो हैरा कब से वेट कर रही होगी, मैं भी ना पता नहीं किन बेकार के चक्करों में पड़ गया। एक मिनट, आपको अंदर जाना है तो पहले नेक दीजिए। चलो। किस बात का नेक? अंदर जाने का नेक। ये कौन सी रस्म है जिसे देखो एक नई रस्म पैदा कर रहा है? ये है भैया, हमें भी पता है। हाँ, टोल टैक्स रस्म। चलिए चलिए, फटाफट ये वॉलेट्स और ये पिगी बैंक सब भर दो और अंदर चले जाओ। गाइस गाइस, ये डकैती है, सरासर लूट है ये, दिस इज नॉट फेयर। जो चाहे समझ लो भैया, बस पैसे तो देने पड़ेंगे। पैसे ही तो नहीं है मेरे पास, सीरियसली। अब तुम्हें तो पता ही है, मामूली सी नौकरी करता हूँ, थोड़ी सी सैलरी है मेरी, और उसमें भी जो बचे कुचे पैसे थे वो जूते छुपाई और वो बाकी की रस्मों में खर्च हो गए। सच्ची? हाँ, और अब मैं सिंगल भी तो कहाँ रहा ना दोस्तों, अपनी बीवी को अब तक एक एक गिफ्ट तक नहीं दिया मैंने। अब ये घर गृहस्थी वगैरह कैसे संभालूंगा मुझे खुद नहीं पता। हमें इमोशनल मत करो, पैसे दो। हाँ, जो है निकालो। ओ, 100 रुपए है गाइस, चलेंगे? 100 रुपए? बस 100 रुपए? 100 रुपए कौन देता है? ऐसे मत बोलो गाइस, देखो तुम्हारा भाई फिलहाल थोड़ा गरीब है। प्लीज, जिसकी नजर उतार के एक बार में हम लाखों रुपया बांट देते हैं, वो 100-200 रुपए की बात करता है तो तुम सोच नहीं सकते हमारे दिल को कितनी तकलीफ होती है। मैं समझ सकता हूँ भाई साहब, लेकिन इस वक्त हमें इमोशनली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली सोचना है। किसी भी तरह सिंघानिया से इसका काम छुड़वा के हमें अपने कंपनीज में ऑब्जॉर्व करना है। इस मर्जर के बाद तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। जितनी मेहनत दूसरों के लिए करता है, अगर उतनी ही मेहनत अपने लिए करेगा तो खुद नहीं जानता कहां से कहां पहुंच जाएगा। एक आइडिया है गाइस, जिससे आप सबके पर्सेस और गुल्लक सब कुछ भर जाएगा। यहां जो पैसे, ओ यहां पे रख दो। ए,
सपनों से हकीकत का सफर। मुबारक हो कार्तिक गोयनका। ये हो क्या रहा है मुझे? ये घूंघट, ये शर्माना, तू तो गई नायरा। पर तुम इस तरह घूंघट में क्यों? किसी ने सिखाकर भेजा है क्या तुम्हें? और क्या क्या सिखाया बताओ ना, शायद मेरे भी काम आ जाए। मन कर रहा है कि तुम बस ऐसी बैठी रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं। तुम देखो ना। क्यों? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा अजीब बिहेव कर रही हूँ, डर लग रहा है। डर? क्यों? डर क्यों लगेगा? जितना तुम्हारे लिए नया है उतना मेरे लिए भी है, और जितना मेरे लिए स्पेशल है उतना ही तुम्हारे लिए भी हो। इसलिए हम दोनों का कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। मैं तो बिल्कुल, मैं कंफर्टेबल हूँ। चलो कर लेती। ठीक है, चेंज कर लो। मेरे कपड़े।
तो नहीं ढूंढ रही? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।